गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पा शर्मा फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इन क्लास 4 सब्जेक्ट SST. देन स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन द लेसन ऑफ सदरन प्लेटो. दिस इज आवर लेसन. द लेसन नंबर इज 8, लेसन नंबर 8, द सदरन प्लेटो. स्टूडेंट, सदरन प्लेटू मीन्स दक्षिणी पठार, उसके बारे में आज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस नक्शे में आपको दक्षिणी पठार के बारे में दिया गया है यहाँ पर. तो अब हम ये लेसन देखते हैं. अब हम लोग इसको, इसमें यह है कि देखिए, द सदरन प्लेटू आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रेट प्लेटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. द सदरन प्लेटूज आर ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप. द स्प्रेड फॉर नियरली 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. द रीजन कंटेन्स रफ एंड अनइवन सरफेस. रिवर नर्मदा डिवाइड्स देम इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड, सेकेंड डेक्कन प्लेटू. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि सदरन प्लेटू वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में स्थित है, और उसको ग्रेट प्लेटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं उसे. फिर ये सदरन प्लेटू कितना दूर में फैला हुआ है, स्प्रेड मीन्स फैलना, फैला हुआ है कि 1600 किलोमीटर नॉर्थ उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तक है. विद द रीजन्स कंटेंस रफ एंड अनइवन सरफेस. यहाँ का जो एरिया रीजन जो है, मतलब कि रफ है यानी कि खुरदरा है. इसका रिवर नदी कौन सा है, नर्मदा नदी, अलग अलग में दो भागों में बांट दी जाती है, जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स और डक्कन प्लेटू भी कहते हैं. फिर नेक्स्ट सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू. द मालवा प्लेटू इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द नॉर्थ. द छोटा नागपुर प्लेटू फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सदरन प्लेटू. इट इज़ द रिचेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया. तो ये छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत देश में इस एरिया में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये छोटा नागपुर प्लेटू में. फिर डेक्कन प्लेटू देखिए, यानी कि देखिए, मोस्ट पार्ट ऑफ द सदरन प्लेटू इज कवर्ड विद द डेक्कन प्लेटू. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. उसके सम सॉयल ऑफ द फेमस हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर द सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलय एंड काडमा हिल्स. रिवर्स यानी कि ये सदरन प्लेटू के नदियों के बारे में है. सम रिवर्स सच एज नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट. मैनी रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी फ्लोइंग थ्रू द डेक्कन प्लेटू ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. They flow east towards the Bay of Bengal. River Godavari is the most important river of southern India. ये है आपका नदियों के बारे में. फिर क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट मीन्स जलवायु होता है. इन द सदरन प्लेटू रेन रेगुलरली फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. द मंथ्स बिटवीन मार्च एंड जून आर वेरी हॉट. टेम्परेचर्स इन दीज मंथ्स कैन ईजिली राइज अबोव 40 degrees centigrade. द विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवम्बर एंड लास्ट टिल फेब्रवरी. नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वहाँ का वन्य जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ट्रीज लाइक ओक, टेक, साल, सैंडलवुड, महुआ, मैंगो, जैक फ्रूट, बैम्बू एंड बानियान आर फाउंड इन द फॉरेस्ट अराउंड द डेक्कन प्लेटू.
The forest on the slopes of the Western Ghats have trees like rosewood, mahogany, bamboo and ebony. The wild animals found in these forests include elephant, sambar, boar, deer, leopard, spotted deer, nilgai, black bug or chausingha and sloth bear. इसके बाद soil, यानी कि ये दक्षिणी पठार का मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. हम देर आर टू टाइप्स ऑफ soil इन द southern plateau, ब्लैक soil एंड रेड soil. तो देखिए, ब्लैक soil इट इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. रेड soil इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका southern plateau लेसन है. आशा करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आया हो. तो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बी सेफ.